स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनु शर्मा द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चा लोग, अपन क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट डिस्कस कर रहे थे, मात्रक एवं मापन। तो उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अपन ने देखा दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, भौतिक राशियाँ दो टाइप की होती है। पहली मूलभूत, जिसको अपन ने बोला था फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, और सेकेंड अपनी थी डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियाँ जो मूलभूत राशियों से मिलकर बनती है। इन दो क्वांटिटीज़ के अपन ने दो रेस्पेक्टिव यूनिट्स यानी कि मात्रक डिस्कस किए थे। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, मूलभूत मात्रक होते हैं उनके, जिसमें अपन ने सेवन क्वांटिटीज़ के सेवन बेस यूनिट्स को डिफाइन किया था। नेक्स्ट अपन ने जैसे देखा था, उसके अंदर जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जो बेसिक यूनिट्स से और डिराइव्ड यूनिट्स के मिक्सचर से बनती है। इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अपन ने डिस्कस की थी जो फोर फंडामेंटल फोर्सेज होती है नेचर के, उन फोर फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो अब अपन आज बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ये जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी मात्रक हैं, इन मात्रकों का एक सिस्टम आज अपन डिस्कस करें, एक प्रणाली डिस्कस करते हैं। वो प्रणाली जिसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जितने भी अदर सिस्टम्स हैं, जितने भी अदर यूनिट्स को मेजर करने का फंडा है, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज़। यहाँ पे ध्यान देना, ऑल टाइप ऑफ, ऑल काइंड ऑफ, जितनी भी फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज़ है, मूलभूत एवं व्युत्पन्न राशियाँ हैं, उनको मेजर करने के लिए जो सिस्टम्स यूज लिए जाते हैं, जो प्रणाली यूज ली जाती है, उनका जो सेट होता है, जो समूह होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वो सभी प्रणालियाँ, वो सभी सिस्टम आ जाएंगे जो किसी भी, आइदर इट इज़ फंडामेंटल और डिराइव, डजेंट मैटर, जो भी क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए यूज लिया जाता है, वो सिस्टम अपन डिस्कस करेंगे। देखो, पहला सिस्टम जो अपना चलता है बच्चों, वो होता है सी जी एस सिस्टम। यहाँ पे सी जो है उसका मतलब है सेंटीग्राम, जी जो है उसका मतलब है ग्राम, और एस जो उसका मतलब है सेकेंड। ये जो सिस्टम है, इट इज़ अ फ्रेंच सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम है जो कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पे बेस्ड है। सेंटीमीटर जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है, वो कौन सी राशि का होता है, कौन सी क्वांटिटी का होता है, अपन जानते हैं सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। लेंथ, मास और टाइम, इन तीन यूनिट्स पे बेस्ड है ये सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, जिसके अंदर लेंथ की जो यूनिट ली जाती है वो सेंटीमीटर ली जाती है। अपन जनरली मीटर लेके चलते हैं, यहाँ सेंटीमीटर लिया जाता है। मास की जो यूनिट है जनरली, इंस्टेड ऑफ किलोग्राम, ग्राम ली जाती है, और टाइम की जो यूनिट है जनरली सेकेंड है, वो सेकेंड यहाँ पे ली जाती है। तो ये फ्रेंच सिस्टम है जो कि सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड पे बेस्ड होता है। इट इज़ द फ्रेंच सिस्टम बेस्ड ऑन द सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। जो फंडामेंटल यूनिट्स है लेंथ, मास और टाइम, उन पे डिपेंड ये सिस्टम अपना होता है। जो अपना नेक्स्ट सिस्टम है, इस सिस्टम का भी अपन जो सीजीएस सिस्टम, उसका भी यूज़ बहुत टाइम पे लिया जाता है। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार अपन देखते हैं कि मास जो है वो ग्राम में दे दिया जाता है, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दे दी जाती है, जो टाइम है वो सेकेंड में दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर सीजीएस सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, जो नेक्स्ट अपना सिस्टम होता है, वो होता है FPS सिस्टम। FPS का मतलब है फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये देखिए, ये जो सिस्टम है वो सिस्टम फ्रेंच सिस्टम था, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये सिस्टम आज ब्रिटिश कंट्रीज़ में यूज़ लिया जाता है। इसमें लेंथ को मेजर किया जाता है किसके अंदर, फुट के अंदर, मास को मेजर किया जाता है आज भी पाउंड के अंदर, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड के अंदर। तो अगर आप मास को पाउंड में मेजर कर रहे हो, अगर आप लेंथ को फुट में मेजर कर रहे हो, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप FPS सिस्टम का यूज़ कर रहे हो। ब्रिटिश कंट्रीज़ में आज भी सिस्टम का यूज़ लिया जाता है। अब देखो, ये जो सिस्टम है और जो सीजीएस सिस्टम है, अब ये दोनों सिस्टम अलग अलग यूनिट्स का यूज़ ले रहे हैं। देखने वाली बात है भैया, इसमें तो लेंथ मेजर होगी सेंटीमीटर में, इसमें मेजर होगी फुट में। तो कोई क्वेश्चन अगर अपन सॉल्व अप करते हैं या कोई डेरिवेशन करते हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली बात है कि दिक्कत आएगी। कोई बच्चा इसको सेंटीमीटर में लिख के आ जाएगा, कोई बच्चा फुट में लिख के आ जाएगा। अगर अपन किसी न्यूमेरिकल में मास निकाल रहे हैं किसी बॉडी का, किसी भी निकाय का, अगर अपन द्रव्यमान फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कोई बच्चा इसको ग्राम में लिख के आ जाएगा, कोई बच्चा हो सकता है पाउंड में लिख के आ जाए। जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा, वो इस सिस्टम को फॉलो करने पर मास की यूनिट क्या लेगा, ग्राम। और जो
एफपीएस सिस्टम को फॉलो करेगा वो क्या करेगा, मास की यूनिट फॉलो करेगा पाउंड। तो ये दोनों बातें फिर अलग अलग हो गई। तो फिर देखो थर्ड सिस्टम आता है एमके सिस्टम। यहाँ पे एमकेएस का मतलब है जो मास की यूनिट होती है, जो लेंथ की यूनिट होती है वो वही मीटर, सेंटीमीटर से मैं यहाँ पे लेंथ की यूनिट कौन सी आ जाएगी मीटर, और मास की यूनिट को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ना ग्राम है ना पाउंड है, जो जनरल अपन यूज़ लेते हैं दैट इज़ किलोग्राम, किलोग्राम को यूज़ किया जाता है, और जो टाइम की अपनी यूनिट है वो क्या है यहाँ पे भी सेकंड है। देखने वाली बात है तीनों ही सिस्टम्स में जो टाइम की यूनिट है वो सेम है, समय का मात्रक जो है वो समान है, और वो क्या है सेकंड, ओवर नहीं है, मिनट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेकंड है। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि अगर आप टाइम का मेजरमेंट कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सेकंड ही लेके चलोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो रही है, लेंथ में दिक्कत हो रही है, मास में हो रही है। इसकी जो लेंथ की मेजरमेंट है वो अलग है, इसका जो मास का यूनिट है वो अलग है, इसका लेंथ का अलग है, इसका मास का अलग है। तो इन जो ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक यूनिफाइड सिस्टम बना दिया गया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, जो हर जगह एक्सेप्ट किया जाए, और सारे न्यूमेरिकल्स जो अपन को करने होते हैं, जो डेरिवेशन अपन को करने होते हैं, वो अपन इन तीनों सिस्टम्स पे बेस होकर ना करें। अगर ये तीनों सिस्टम लेके चलेंगे तो कोई ये सिस्टम लेगा, कोई ये लेगा, कोई ये लेगा, तो आंसर में यूनिट्स जो होंगी वो डिफरेंट होगी और आंसर भी डिफरेंट होगा। तो इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फोर्थ सिस्टम अपना डिफाइन किया जाता है दैट इज़ SI सिस्टम। SI सिस्टम में देखो जो S है और जो I है इनका मतलब समझ लीजिए। SI सिस्टम का जो मतलब होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम होना IS चाहिए, IS होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि इसका जो फ्रेंच नेम है, जो फ्रेंच नेम है वो क्या होता है, वो होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल। तो फ्रेंच के अंदर सिस्टम पहले बोला जाता है, इंटरनेशनल बाद में बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही लिया गया है, जनरल इंग्लिश में अपन इंटरनेशनल वर्ड वो पहले यूज़ लेते हैं, सिस्टम जो है वो बाद में यूज़ लेते हैं। तो ये होता है ऐसा सिस्टम। देखो इसके अंदर क्या है, दिस सिस्टम वॉज ग्लोबली एक्सेप्टेड, ये ध्यान रखना है, ग्लोबली एक्सेप्टेड कहने का मतलब अब इन तीनों सिस्टम्स को आप लेके नहीं चलोगे, इनको लेके आप नहीं चलोगे, जनरल सी बात है। आपको किस पे कंसंट्रेट करना है, आपको किस किस स्टडी करनी है, SI सिस्टम की स्टडी करनी है, ना इस पे जाना है, ना इस सिस्टम पे जाना है, ना इस सिस्टम पे जाना है, SI सिस्टम पे अपन बात करते हैं। दिस सिस्टम वॉज ग्लोबली एक्सेप्टेड बाई 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स 1960 में जो वेट्स एंड मेजर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस 11th कॉन्फ्रेंस में इस सिस्टम को अडेप्ट किया गया था। ये मान लिया गया था सबकी सहमति से कि हाँ एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो सिस्टम ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, जिसको आप कहीं पे भी जाके यूज़ लो, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी इक्वेशन में, डेरिवेशन में आप उसका यूज़ ले सकते हैं, वो जो सिस्टम है वो हर जगह मान्य होगा। बाकी जो सिस्टम्स है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग है, मान लो ब्रिटिश में ये है, फ्रेंच में ये है। एमके सिस्टम जो है वो एमके सिस्टम इंडिया में यूज़ लिया जाता था, एंशियंट इंडिया में। तो इन चीज़ों को फिर अलग अलग करके एक यूनिफाइड सिस्टम बना दिया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इट कवर्स ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड, जितनी भी ब्रांचेज हैं साइंस की, नॉट ओनली फिजिक्स, जो भी साइंस की ब्रांचेज है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, फिजिक्स में चाहे क्लासिकल हो, चाहे क्वांटम हो, जहाँ पे भी अगर आप यूनिट्स की बात कर रहे हो, मात्रक की बात कर रहे हो, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, मात्रक किस में लेके चलना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अपन को लेके चलना है। SI मात्रक हमेशा अपन लेके चलेंगे, ना कि कोई अदर मात्रक। अब देखो ये जो SI सिस्टम होता है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन इस SI सिस्टम के बारे में बिल्कुल डीप से स्टडी करेंगे सिस्टमेटिकली। ये सिस्टम्स तो क्या थे, लेंथ, मास और टाइम, तीन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड थे। लेकिन जो SI सिस्टम होता है वो 7 बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होता है। जो 7 बेस क्वांटिटीज़ अपन ने पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और उसके बाद में अपन ने उसका मोल, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपन ने पढ़ा था, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ अपन ने देखी थी, उन 7 बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होता है SI सिस्टम। इन 7 बेस क्वांटिटीज़ की 7 यूनिट्स होती है। अच्छा, प्लस इसके अंदर एक बात और है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं। एक होता है सॉलिड एंगल इसके अंदर, और एक अपन यूज़ लेते हैं इसके अंदर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, 2 क्वांटिटीज़ और होती है। कुल मिलाकर बात यह है 9 क्वांटिटीज़, 9 क्वांटिटीज़, 7 तो बेस क्वांटिटीज़ और 2 इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, पूरक राशियाँ, और ये हो जाती है आपकी मूलभूत राशियाँ। इन 9 राशियों से मिलकर जो सिस्टम बनता है वो SI सिस्टम होता है।
इन नौ राशियों की जो मात्रक होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, वो इस सिस्टम में डिफाइन किए गए हैं। पहले अपन वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन वो जो नाइन क्वांटिटीज़ है और जो उनकी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को अपन वन बाई वन अच्छे से डिफाइन करेंगे। लाइक वन मीटर क्या होता है, उसके बाद में जैसे लेंथ का हो गया, मास का, वन केजी क्या होता है, वन सेकेंड क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड जो है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को अपन पूरा एसआई सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, बोर्ड पे आपको नोट्स दिख रहे हैं वो लिख लीजिए करेगा, और अपन इसकी बाकी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।